ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके टू पार्ट होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। पहला है कनेक्टिंग पार्ट, तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसका काम क्या होता है, जो O2 है एटमोस्फियर में उसको अपने लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होती हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर उनके पास पहुंचाना। तो जितना भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि नोस्ट्रिल जो कि नथुने होते हैं उनसे स्टार्ट होकर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स मतलब जिनके सिरों पे ये एल्वोलाई प्रेजेंट होती है वो बिल्कुल फाइन ट्यूब होती हैं, तो उस ट्यूब तक के पार्ट को हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फियरिक एयर टू द एल्वोलाई। तो इस बाग का काम क्या होता है, जो भी एटमोस्फियर में एयर है ऑक्सीजन है उसको एल्वोलाई तक पहुंचाना, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरन फॉरन पार्टिकल। जो भी इसके अंदर अलग अलग धूल मिट्टी वगैरह पार्टिकल हैं या फिर वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं तो उनको भी कोशिश की जाती है साफ करने की। ह्यूमिडिफाइड्स एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमिडिफाइड का मतलब है जो एयर बाहर प्रेजेंट है उसको नमी युक्त बनाता है कनेक्टिंग पार्ट, और साथ में जो उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर दिया जाता है। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, तो यही वो पार्ट होता है जहाँ पे जो एक्सचेंज किया जाता है गैसेज का, फॉर्म्ड बाय द एल्वोलाई एंड द एयर डक्ट। तो एल्वोलाई जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर जो कि ब्रोंक्यूल्स के टिप पे पाई जाती हैं, तो डायग्राम में भी हम देखेंगे, तो उनका जो डक्ट है उनकी जो नाड़ियां हैं ट्यूब्स हैं उनके मिलकर बनती है ये। साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर। जो एटमोस्फेरिक एयर कंडक्टिंग पार्ट के द्वारा एल्वोलाई के अंदर लेके जाई जाती है, तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज होती हैं उनके बीच में और एटमोस्फेरिक एयर के बीच में जो एक्चुअल डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मतलब जो भी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं खासकर यहाँ पे गैसेज पार्टिकल वो मूव करेंगे, तो उसकी जो रियल साइट है वो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट करता है जो कि एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब है गैसियस गैस का जो रास्ता क्या है, एयर का रास्ता जो हमारे लंग्स में पहुंचनी है। तो ये स्टार्ट होता है ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबो अपर लिप्स विच लीड्स टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। तो ये एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल मतलब जो छिद्र होते हैं दो जो कि अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जो अंदर जाके एक ट्यूब होती है नेजल पैसेज और उसके जरिए कहाँ पे जाके खुलते हैं नेजल चैम्बर, जैसे बक्कल कैविटी एक ओरल चैम्बर होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेजल चैम्बर होता है। नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरेंक्स। फेरेंक्स तो फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज होता है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे जो एयर और जो फूड है वो दोनों आके मिल जाती हैं। उसके बाद फेरेंक्स ओपन इनटू द लैरेंक्स। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा फेरेंक्स के बाद, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ओसोफेगस देखा था, लेकिन यहाँ पे लैरेंक्स रहेगा। लैरेंक्स साउंड बॉक्स होता है और ये एक रीजन होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया होती है विंड पाइप वायु नली, तो उसके अंदर एक रीजन होता है साउंड बॉक्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। यहीं पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जब भी हम एयर को बाहर रिमूव करते हैं तो इनमें कंपन होती है और कंपन होगी तो वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरेंक्स। तो जब हम कोई भी चीज निगलते हैं तो उस टाइम पे ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है और जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है ये कॉमन चैम्बर में खुलती है फेरेंक्स के अंदर, और जो विंड पाइप की ओपनिंग है ग्लोटिस उसको एक एपिग्लोटिस नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप एक ढक्कन का काम करती है। थिन इलास्टिका मतलब है बड़ी ही पतली, और वो इलास्टिका मतलब लचीली होती है जो क्या करती है, जब भी हम कोई भी खाने का पार्टिकल निगलते हैं तो वो विंड पाइप को कवर कर लेती है, और यदि बाई चांस वो कवर नहीं कर पाती है तो खाने का पार्टिकल है वो विंड पाइप में चला जाता है और हमको जो जो कफिंग वगैरह है खांसी वगैरह होती है उस केस में, और जब तक वो खांसी होती है जब तक वो फूड पार्टिकल विंड पाइप में से निकल नहीं जाता है, खासकर लैरिंक्स में एंटरिंग होती है, और कई बार चोकिंग टाइप की कंडीशन भी हो जाती है जब जो विंड पाइप में कोई भी पार्टिकल फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता है, तो यदि वो टाइम पे नहीं निकलता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इंटू राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया एक स्ट्रेट एक सीधी ट्यूब होती है
एक्सटेंडिंग मतलब जो फैली हुई होती है कब कहाँ तक, मिड थोरेसिक कैविटी जो चेस्ट है चेस्ट के मिडल तक फैली होती है, और जो पांचवे थोरेसिक वर्टिब्रा जो वर्टिब्रल कोलम के अंदर जो वर्टिब्रे वर्टिब्रा होते हैं तो अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं, जैसे 12 होते हैं ये थोरेसिक रीजन में, तो पांचवें थोरेसिक रीजन में जाके मतलब मिडन में पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रा के पास जाके ये दो के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, और उनको क्या बोलते हैं फिर, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद है ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो जो प्रत्येक ब्रोंकाई है जो प्रत्येक लंग में एंटर करती हैं तो आगे डिवाइड होती रहती हैं, जैसे टहनियाँ डिवाइड होती रहती हैं, और वो आगे सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई बनाती है, और साथ में लास्ट में जाके ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स ही क्या है, थिन एंडिंग होती है, बिल्कुल पतली ट्यूब होती हैं, और ये टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो जितनी भी जो विंड पाइप है जो ब्रोंकाई हैं अलग अलग और जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, तो ये इनके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग मतलब कार्टिलेज के बने हुए छल्ले प्रेजेंट होते हैं, जो इनकम्प्लीट मतलब हो सकता है पूरे कंप्लीटली कवर ना करते हों। और इनका काम क्या होता है कार्टिलेजन्स रिंग का पूछ लेते हैं, तो ये जब भी एयर इस ट्यूब में से एंटर करती है कंडक्टिंग पार्ट में से, और जब एयर को बाहर निकाला जाता है तो इससे चांसेस क्या रहते हैं, जो ट्यूब है उसके कोलैप्स होने के, उसके पिचकने के चांस होते हैं, और यदि एयर बार बार इसमें से एंटर तो करती हैं और बार बार रिमूव भी होती हैं जैसे रेस्पिरेशन में होता है, तो यदि लगातार होता रहा तो ये कोलैप्सिंग से जो ट्यूब है वो डैमेज हो सकती है, इसी डैमेज से कार्टिलेजनस रिंग उनको बचाती हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एलोलाई। प्रत्येक जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसका टर्मिनल जो भाग है उसके ऊपर एक नंबर ऑफ थिन, थिन का मतलब पतली, इरेगुलर का मतलब अलग अलग शेप में, वाल्ड का मतलब है परत होती है उसके अंदर, इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है उसके अंदर काफी सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फाइन ट्यूब उनकी कैपिलरीज उनकी काफी पाई जाती हैं, और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये जिनको एल्वोलाई बोलते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी इन्हीं को बोला जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे लंग्स होते हैं ये जो एयर है सबसे पहले यहाँ से एंटर करती है नेजल चैम्बर, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई से एंटरिंग हो जाती है लंग्स में, और जो उसके बाद वापस इसी ट्रैक से वापस छोड़ दी जाती है। तो ये जो रीजन है थोरेसिक रीजन होता है, और थोरेसिक रीजन में फिफ्थ जो वर्टिब्रा होती है तो वहां पे जाके जो ट्रैक या ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम एक जो पोजीशन है हमारे लंग्स की और जो ट्यूब है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बॉडी में उनको यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, और किस तरीके से जो एक्स जो सांस लिया जाता है उसका जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो हम देख सकते हैं।